बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 1.2 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 1.3 के अंदर जो जिन इक्वेशंस को हमने डील करना है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो हमारा जो टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखना है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना हो तो उसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है, कैसे चेंज करना है। क्योंकि हमने तीन मेथड प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ लिए हैं और वो तीनों जो मेथड थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थे। तो इसके अंदर यही हमने टेक्निक सीखनी है कि किसी इक्वेशन को जो नॉन क्वाड्रेटिक हो उसको क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करते हैं। तो मज़ीद आगे जाने से पहले, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो अब हम ज़रा आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब यहाँ पे देखें, जो इस एक्सरसाइज के अंदर होंगी टाइप्स, तो पहली जो टाइप है वो इस फॉर्म में होगी, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब दो हमारे पास वेरिएबल होंगे, बेसिकली होगा एक्स ही, उसमें दो पावर होंगी, एक 4 है एक क्या है स्क्वायर। बेसिकली मतलब ये एक दूसरे का स्क्वायर है, ये है एक्स का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लें तो क्या बन जाएगी, पावर 4, यानी ये इसका स्क्वायर लें तो वो ये बन जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म में टाइप 1 के अंदर इस तरह की फॉर्म से हम डील करेंगे कि एक एक्स स्क्वायर होगा, एक 4 होगा, यानी जो छोटी पावर होगी उसका अगर स्क्वायर लें तो वो ये बन जाएगा। तो इस टाइप में हमें करना क्या है, हमें इस टाइप में ये करना है कि एक्स स्क्वायर मीन जो छोटी पावर है उसे आप पुट कर देंगे वाई के इक्वल। तो वाई के इक्वल पुट करने के बाद जो इक्वेशन होगी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 2x4 माइनस 11x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, टाइप वही टाइप है, x4 x2 है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइप का कैसे पता चलेगा, ये जो छोटी मतलब पावर है इसका आप स्क्वायर लें तो वो बड़ी पावर बन जाएगी, यानी इसका आप स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4 हो जाती है, वो इसके इक्वल आ गया। तो इस टाइप में हमें ये करना पड़ेगा कि जो छोटी पावर होगी उसे हमने वाई के इक्वल पुट कर लेना है, इसे हमने जो है वो वाई के इक्वल पुट कर लेना है। तो ये हम लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये पुट करने के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब इसको तो मैं वाई के इक्वल पुट कर लूँगा, अब इसे किस चीज़ के इक्वल मैं पुट करूँ, तो अब ये है क्या चीज़, एक्स फोर क्या है, वो इसका स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर ले लूँगा, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसी का क्या करूँगा स्क्वायर। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल पुट करूँगा, फिर इसी का स्क्वायर भी ले लूँगा। चलो ये याद रखना है कि जो छोटी पावर होगी उसे वाई के इक्वल पुट करना है, फिर फौरन मैंने क्या करना है इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर क्यों ले लेना है वो हमें अभी पता चल जाना है। तो मैं स्क्वायर ले लूँगा तो इधर वाई का भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हो गया वाई स्क्वायर, और ये देखें पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर मीन 2 to the 4, तो एक्स की पावर यहाँ पर हो गई जी 4। तो हमें ये करना है, अब ये हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन बन गई, ये दो जो है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन बन गई हैं। अब मैं ये पुट करूँगा ओरिजिनल इक्वेशन, यानी इसके अंदर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई पुट करूँगा, एक्स फोर की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा वाई स्क्वेयर। तो अब ये इस ओरिजिनल इक्वेशन में मैं ऐसा करूँगा। अब इसके अंदर जी मैं पुट करने लगा हूँ, 2 वैसे आ जाएगा, ये 2 अब है एक्स फोर, एक्स फोर की वैल्यू क्या निकाली है मैंने वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस 11, तो ये हो गया जी माइनस 11, और नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, तो ये हम पुट कर देंगे जी y, और आगे है प्लस 5, तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इक्वेशन बन गई 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें ये रिड्यूस हो गई, पहले
पावर 4 थी हमारे पास, अब रिड्यूस होके क्या बन गई, स्क्वायर में आ गई, यानी क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसे आप फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जैसे मर्जी सॉल्व करें, यहाँ से वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेरे लिए ज़्यादा आसान है, डेफिनेटली उन तीनों मेथड में से आसान है और शॉर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फैक्टराइज कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन कैसे थी, हम ये कहते थे कि कॉस्ट स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू है, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर या वाई स्क्वेयर, इसे मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। तो 2 है, 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 10, यानी प्लस 2 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 10 बनेगा। अब इसके मैंने बनाने हैं फैक्टर, यानी 10 किस किस पॉसिबल नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये 10 1 से भी हो जाता है, 10 2 से भी हो जाता है, यानी इन दो नंबर से 10 डिवाइड हो सकता है, यानी दो हमारे पास ये पॉसिबल फैक्टर बन गए। तो इन दोनों में से मैं कोई ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करूँगा कि उस फैक्टर की दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास ये दरमियान वाली वैल्यू यानी -11 बनना चाहिए। तो 1 और 10 को देखें, -1 और -10 अगर मैं कर देता हूं तो अगर अब इन्हें ऐड करूं, -1 और -10 कितना बनता है, ये -11, लेकिन और मल्टीप्लाई करूँ तो वो प्लस का क्या बनना चाहिए, 10 भी बनना चाहिए। तो -1 और -10 को मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 10 भी बन जाएगा। तो मेरे ये फैक्टर बन गए -1 और -10। तो ये मैं फैक्टराइज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2y² -10y -y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई चार वैल्यू, दो ये हैं और दो ये, इन दोनों में मैं कॉमन चेक करूँगा, 2y² -10y है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 2y कॉमन, क्योंकि 10 में 2 होता है, 2 5 10। तो ये y² था, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर में 2y थे, यहाँ पे 1y बच जाएगा और यहाँ पे आ गया माइनस, 10 में से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 5, और ये y मैंने कॉमन ले लिया था। अब इन दोनों की तरफ आ जाएं, ये यहाँ y के साथ 1 है और 5 के साथ भी 1 होता है, 5 मल्टीप्लाई 1 y मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 इनमें कॉमन है लेकिन माइनस का, तो यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा और ये रह गया 5। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस था, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 5 इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखें, y-5 ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं अगेन यहाँ से कॉमन ले लूँगा, y-5 कॉमन ले लिया और ये रह गया 2y-1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे कर लूँगा इनको सेपरेट, y-5 ये भी 0 के इक्वल, क्योंकि मैंने y की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जी, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 5, ये माइनस का 5 था, इधर ले आए प्लस हो जाएगा, और ये हो गया जी 2y, ये -1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो क्योंकि मैं y फाइंड करना चाहता हूँ, 2 को उधर डिवाइड कर दूंगा, तो 1 by क्या हो गया, ये 2। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें y नहीं चाहिए था, y मैंने खुद ही पुट किया था, मतलब हमने लेट किया था, तो ओरिजिनल वेरिएबल क्या था, x था। अब एंड में जब आप सॉल्व कर लेते हैं, y की दो वैल्यूज आ जाती हैं, तो एंड में जाके y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह क्या था, x² था, तो इसकी जगह हम दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी जो x² था वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा x² 5, तो ये आ गया जी x², ये भी 5 के इक्वल आ गया, और ये x² ये किसके इक्वल आ गया, 1/2, ये था ना, y इक्वल 1/2, y की जगह मैंने x² पुट कर दिया। तो अब हमें मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि 5 का कंप्लीट अंडर रूट नहीं आता, तो अंडर रूट 5 ही रहेगा। इस तरह भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x² का जो है हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस किस वजह से आया है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमने स्क्वायर रूट कैंसिल किया है, जब भी आप लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस माइनस आ जाएगा।
तो यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस, ऊपर है वन, वन का स्क्वायर रूट वन ही आता है, और नीचे है टू, तो टू का जो स्क्वायर रूट है वो अंडर रूट टू ही आएगा। तो ये हमारे पास जो है एक्स की पॉसिबल चार वैल्यूज आ गई, प्लस फाइव, प्लस अंडर रूट फाइव, माइनस अंडर रूट फाइव, प्लस वन ओवर अंडर रूट टू, माइनस वन ओवर अंडर रूट टू। तो इन्हें हमने क्या करना है, क्योंकि इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है सोल्यूशन सेट में हम लिखते हैं, तो बस ये सोल्यूशन सेट में लिख दें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट फाइव एंड प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू। ये हमने टाइप वन का पहला क्वेश्चन किया, इसका मजीद एक और भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि ये टाइप हमारी क्लियर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।